नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 26 जनवरी शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी विनी के कैनमोर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 75वां गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर परे पहली बार तीनों सेनाओं की टुकड़ियों को महिला अफसरों ने लीड किया। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या के रामलला, गुजरात की झांकी में देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू। राजस्थान में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होंगी। सरकार निशुल्क करा रही है अयोध्या रामलला के दर्शन। पहली ट्रेन में 970 यात्री हुए रवाना, जाने कब जाएगी दूसरी ट्रेन। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। देश आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंचे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मोदी ने 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद वे गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचे। उधर राष्ट्रपति भवन से द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो बग्गी में कर्तव्य पथ गए। 1984 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के लिए बग्गी से पहुंचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर तिरंगा फहराया। 13,000 स्पेशल गेस्ट भी पहुंचे और इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। परेड का आगाज 100 महिला म्यूजिशियन ने शंख नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ किया। 100 महिलाओं ने अपने पारंपरिक पहनावे में लोक नृत्य किया। फ्लाई पास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज एयरक्राफ्ट है। फ्लाई पास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल हुए। नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस पर 16 राज्यों, केंद्रों शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों की झांकियां कर्तव्य पथ पर दिखी। इस बार सबसे खास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इसरो की झांकी में इस बार चंद्रमा के साउथ पोल पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को दिखाया गया। इसमें लैंडिंग प्वाइंट पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को दर्शाया गया। 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया, जिसमें 23 अगस्त को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की झांकी में रामलला का छोटा स्वरूप दिखाया गया। मेरठ रैपिड रेल और ब्रह्मोस मिसाइल में झांकी में शामिल किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए राज्य में एक प्लांट डेवलप कर रही है। इसके अलावा गुजरात की झांकी में कच्छ का थोड़ा गांव दिखाया गया और इसमें कच्छ की संस्कृति को दर्शाया गया। थोड़ो देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज है और इसे दुनिया के 54 टूरिज्म विलेज में जगह दी है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसमें राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक सरकार की योजनाओं को भी शामिल किया जा सकता है। राजस्थान दौरे पर पिछले दिनों घोषणा पत्र समिति के सदस्य आनंद शर्मा के पास ऐसे सुझाव आना बताया जा रहा है। पार्टी नेताओं की माने तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जिन योजनाओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा था, उनमें 25 लाख रुपए तक की चिरंजीवी बीमा योजना, राइट टू हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी योजनाएं शामिल हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होगी। इस संबंध में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी किया है। गौरतलब है कि JCTSL में कार्यालय और उड़न दस्तों में सेवानिवृत्त कर्मचारी कार्यरत है। आदेश के बाद सभी की सेवाएं समाप्त की जाएंगी और इससे पहले नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधीन निकायों में सेवानिवृत्ति उपरांत समेकित पारिश्रमिक संविदा पे माइनस पेंशन तथा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई है। UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर दोनों विभागों ने संयुक्त आदेश जारी किया है और आदेश में यह भी लिखा गया है कि पालना रिपोर्ट भिजवाई जाए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने रामलला के दर्शनों के लिए प्रदेश से 970 तीर्थ यात्रियों का पहला दल ट्रेन से रवाना किया। ये यात्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत निःशुल्क यात्रा कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए प्रदेश के 970 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों का पहला दल रवाना हो गया है। राजधानी के खातीपुरा रेलवे स्टेशन में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी जयपुर की बड़ी चौपड़ पर सत्ता पक्ष व विपक्ष की ओर से ध्वजारोहण हुआ। सत्ता पक्ष की ओर से ध्वजारोहण के बाद दक्षिण दिशा में कांग्रेस पार्टी की ओर से ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद डोटासरा ने संबोधित करते हुए बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। डोटासरा ने कहा कि आज विश्व में सबसे मजबूत लोकतंत्र कोई है तो वह भारत का है, लेकिन हम सब लोग देख रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए
चाहे इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी, उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, लेकिन कभी भी देश के झंडे को झुकने नहीं दिया, देश के लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया, देश के संविधान को कभी भी कमजोर नहीं होने दिया। लेकिन आज बोलने का अधिकार छीना जा रहा है और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा सरकारी मीटिंग में अल्पाहार को लेकर फिक्स किया गया मेन्यू चर्चा में है। जानकारी के अनुसार जयपुर से सचिवालय के मीटिंग हॉल्स में होने वाली बैठकों के लिए मंगवाए जाने वाले अल्पाहार को लेकर मेन्यू फिक्स कर दिया गया है, यानी मेन्यू से इतर कोई खाद्य सामग्री नहीं मंगवाई जा सकेगी। इस तरह से इन्हीं बैठकों में पीने के पानी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार सचिवालय की बैठकों में अब सिर्फ और सिर्फ रोस्टेड चना, रोस्टेड मूंगफली, मखाने और मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव बिस्किट ही उपलब्ध कराई जाएगी। इन आइटम्स को स्वास्थ्यदायक अल्पाहार मानकर बैठकों के मेन्यू में शामिल किया गया है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित हुआ राज्यपाल कलराज मिश्र ने झंडारोहण किया और परेड का निरीक्षण किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 1995 बैच की आईपीएस एडीजी डॉक्टर प्रशाखा माथुर, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक प्रेम सिंह, भींग सिंह शर्मा और ब्रजेश कुमार निगम को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। कार्यक्रम में करीब 1000 से ज्यादा स्कूली बच्चों की प्रस्तुतियां हुई। सबसे पहले 150 लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और डॉग शो भी आयोजित किया गया। बांसवाड़ा में संभाग और जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह कुशल बाग मैदान में मनाया गया। ठीक 9 बजे संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने ध्वजारोहण किया। परेड में आगे पुलिस के जवान और पीछे एनसीसी, स्काउट गाइड और विभिन्न स्कूलों के बच्चे शामिल रहे। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल के जनाना विंग में रेजिडेंट चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के बीच हुए विवाद के बाद अस्पताल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। अब अस्पताल आने वाले चिकित्सकों सहित अन्य स्टाफ को अप्रैल में ही आना होगा। अगर किसी ने इसमें लापरवाही बरती तो उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि जनाना विंग में बुधवार को एक रेजिडेंट चिकित्सक तथा एक नर्सिंग कर्मी के बीच कुर्सी पर बैठने को लेकर विवाद हो गया। जिस समय झगड़ा हुआ तो नर्सिंग कर्मी एप्रन पहना हुआ नहीं था और न ही नेम प्लेट लगी हुई थी। इस वजह से चिकित्सक एवं नर्सिंग कार्मिक एक दूसरे को पहचान नहीं पाए और M2 वार्ड में ही आपस में विवाद हो गया। श्रीगंगानगर में करीब 2 साल पहले हुई शादी को विच्छेद करवाने के लिए कनाडा में रह रहे पति पत्नी ने पारस्परिक सहमति के आधार पर अपने अपने पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के जरिए जयपुर के फैमिली कोर्ट सांगानेर में तलाक ले लिया और वहीं कोर्ट ने दोनों के पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत विवाह विच्छेद के लिए दायर प्रार्थना पत्रों को मंजूर करते हुए दोनों के 6 फरवरी 2022 को हुए विवाह को विच्छेद करते हुए कहा कि वे अब पति पत्नी नहीं है। फैमिली कोर्ट की जज शालिनी महर्षि ने फैसले में कहा कि दोनों ही 7 फरवरी 2022 से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उनके बीच दोबारा दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना किया जाना संभव नहीं है और वहीं दोनों का एक साथ जीवन यापन करना भी कठिन है। ऐसे में दोनों पक्षकारों के बीच विवाह विच्छेद की डिग्री देना न्यायोचित होगा। मामले में पक्षकारों के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि प्रार्थीगण की शादी 6 फरवरी 2022 को श्रीगंगानगर में हुई थी, लेकिन उन्होंने आपसी मतभेद के चलते शादी के दिन यानी 7 फरवरी 2022 से अलग रहने का फैसला लिया और बाद में उन्होंने पारस्परिक सहमति से एक दूसरे से तलाक लेने का भी फैसला लिया। भीलवाड़ा में राजस्व उपनिवेशन एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री विजय सिंह ने गणतंत्र दिवस 2024 के जिला स्तरीय समारोह में पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। मुख्य समारोह स्थल पर मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री विजय सिंह ने प्रातः 9:05 पर ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने महामहिम राज्यपाल के संदेश का पठन किया। समारोह में सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्राइज वितरण किया जाएगा। बाड़मेर में शुक्रवार को गणतंत्र दिवस समारोह आदर्श स्टेडियम में हो रहा है। समारोह में जिला स्तरीय समारोह में उद्योग व वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जिले के स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के परिजनों का सम्मान किया गया। उदयपुर में गणतंत्र दिवस समारोह पर गांधी ग्राउंड में शुक्रवार को जिला स्तरीय मुख्य समारोह संपन्न हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि जनजाति क्षेत्र विकास एवं गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। मंत्री खराड़ी ने परेड निरीक्षण किया। मुख्य अतिथि खराड़ी के हाथों समाज सेवा, सरकारी योजनाओं एवं विभिन्न उपलब्धियों के लिए विशिष्ट 92 व्यक्तियों को प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए। बीकानेर में गणतंत्र दिवस पर इस बार 63 जनों को सम्मानित किया गया। कैबिनेट मंत्री सुमित कुदारा ने डॉक्टर कर्णी सिंह स्टेडियम में मुख्य समारोह के दौरान इन सभी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान पुरस्कार प्राप्त करने वालों के कार्यों का उल्लेख किया गया और इससे पहले गुदारा ने झंडारोहण किया। स्कूली स्टूडेंट्स की ओर से योगा और सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।